इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है कि आप पेटीएम वॉलेट में बैलेंस को ऐड करके आप जो है कि पेटीएम में पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास कोई भी पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम कैसे पेटीएम को यूज़ करें, कैसे हम जो है कि उसमें बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास किसी भी फैमिली मेम्बर में डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो कैसे जो है कि आप चाहें तो उन डेबिट कार्ड से भी आप पेटीएम में पैसा को ऐड कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में चार्ज। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसा कि आपको पता है पेटीएम को ओपन करेंगे और पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। और पेटीएम को जैसे आप ओपन करके देख सकते हैं, यहाँ पे माई पेटीएम में पेटीएम वॉलेट का आपको टॉपअप का एक आइकन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम वॉलेट होगी अवेलेबल, पेटीएम बैलेंस आपको जो भी रहेगा शो करेगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऐड मनी, ऐड मनी यहाँ पे अमाउंट आपको एंटर करना है, जितने रुपये भी आपको ऐड करना, चलिए यहाँ पर 2500 रुपये ऐड करना है, आपको जितने रुपये भी आपको ऐड करना है, मिनिमम आप 1 रुपया भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एंटर अमाउंट कर लेना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं मनी विल बी एडेड टू, यहाँ पे पेटीएम वॉलेट पे यहाँ पे देख सकते हैं टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन मिलता है, अगर आपको पेटीएम का गिफ्ट वाउचर बाय करना है तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपका वॉलेट पे ही टिक लगा होगा, तो आपको डिफॉल्ट पे ही रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने का देख सकते हैं यहाँ पे एड मनी टू वॉलेट, यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में जितने रुपये अवेलेबल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस अगर इसमें आपको बैलेंस रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो आप इससे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे मेरे पास जितने भी मैंने सेव डेबिट कार्ड है जो मैंने ट्रांजेक्शन किया वो यहाँ पे आ रहा है। और नीचे हम देख सकते हैं योर चूज द पेमेंट ऑप्शन, तो आपको यहाँ देख सकते हैं डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो हमें डेबिट कार्ड से पैसा ऐड करना है, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड के ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पे एंटर डेबिट योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर हो गया, फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट हो गया, CW कोड हो गया, उसके बाद पे के ऊपर क्लिक करना। चलिए हम कार्ड डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो भी मेरा कार्ड डिटेल वो हमने एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी इस बैंक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा बैंक में, उस पर OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जितना अमाउंट शो कर रहा है, फिर कार्ड नंबर फर्स्ट का कुछ यहाँ पे डिजिट हो गया लास्ट का, और उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट में कुछ कुछ आपको मोबाइल नंबर शो करेगा आपका इस नंबर पर OTP गया है। तो चलिए हम यहाँ पे जो कि OTP एंटर कर लेते हैं, जो भी मेरे पास OTP रिसीव्ड हुआ है। OTP एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड आपको वेट कर लेना, उसके बाद सक्सेसफुली जो है आपका मनी जो आप देख सकते हैं मनी एडेड सक्सेसफुली यहाँ पे 2500 रुपये हमने, और उसके बाद जो भी अगर ऑफर वगैरह रहेगा तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, वो आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेटीएम वॉलेट में, तो जो भी हमने यहाँ पे पैसा अभी ऐड किया अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अभी शो कर रहा है 2500 रुपया। तो यहाँ पे मेरा जो कि वॉलेट में मनी जो कि मेरा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब अगर आप जो है कि किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल रिचार्ज हो गया, जितने सारे यहाँ पे बिल पेमेंट हो गए वो आप सारे जो कि अपने वॉलेट से पे करके आप जो है कि यूज़ कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।